हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 में आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 5.6 पे. ओके, तो इसमें हम पढ़ने के वाले हैं, टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म. इसका क्या मतलब होता है? देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछले टॉपिक में इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव और एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में देखा था, ठीक है. बट कभी कभी ऐसा होता है कि दिए गए फंक्शन जो होते हैं वो ना इम्प्लिसिट होते हैं और ना एक्सप्लिसिट होते हैं, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए, याद होगा आपको कि जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है. ये कैसा फंक्शन है? ये है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब जिसमें y को आप x के टर्म्स में लिख सकते थे, ठीक है ना. और कुछ ऐसे फंक्शंस आपने देखे थे, याद होगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस साइन y प्लस y की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2. ये फंक्शन कैसा है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप y की वैल्यू x के टर्म्स में नहीं निकाल सकते हो. यहाँ y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू x के टर्म्स में नहीं निकाल सकते हैं. इसके बारे में हमने पहले ही बात करी, ठीक है. तो कभी कभी आपको फंक्शन ना तो एक्सप्लिसिट मिलेंगे ना तो इम्प्लिसिट मिलेंगे, बल्कि आपको नए टाइप के फंक्शंस मिलेंगे. कैसे? यहाँ पर आपके पास होंगे दो मेन वेरिएबल x और y, और ये जो x और y होंगे ये खुद ही किसी नए वेरिएबल का फंक्शन होंगे. मतलब समझिए जरा, देखिए आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा कि x इज द फंक्शन ऑफ t, ठीक. x भी किसी वेरिएबल t का फंक्शन होगा, x भी किसी वेरिएबल t का फंक्शन होगा, और y भी किसी वेरिएबल t का फंक्शन होगा. y इज द फंक्शन ऑफ t, तो हम y इज इक्वल टू g ऑफ t लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू f ऑफ t लिख सकते हैं. तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर x और y आपके मेन वेरिएबल हैं, ठीक. x और y आपके मेन वेरिएबल हैं, और ये जो t होगा, इस t को हम क्या बोलेंगे? इस t को हम पैरामीटर बोलेंगे. आप एग्जांपल नंबर 35 NCERT में देख लीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, x इज इक्वल टू at स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि x किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे. भाई आप t की वैल्यू डालते जाओगे, x की वैल्यू आती जाएगी. y इज इक्वल टू 280, ठीक है. y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे. यानी कि कहने का ये मतलब है कि जैसे आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में देखते थे कि एक ही इक्वेशन में एक्स और वाई में कुछ ना कुछ रिलेशन होता था, ठीक है. यहाँ पर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ भी एक्स और वाई में कुछ ना कुछ रिलेशन है डायरेक्टली. बट ये होती है स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म होती है ऐसी. कब? जब x और y में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, बल्कि x रिलेट कर रहा होगा किसी नए वेरिएबल t से, y भी उसी नए वेरिएबल t से रिलेट कर रहा होगा. जरूरी नहीं कि वेरिएबल का नाम t है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, फाई थीटा जीटा एम एन कुछ भी हो सकता है. बट x जिस पे डिपेंड कर रहा है, y भी उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. तो x और y का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट x और y का कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा पक्का. क्यों? क्योंकि y भी t से रिलेट कर रहा है और x भी t से रिलेट कर रहा है. तो x और y का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है. तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, उस रिलेशन से तो हमें मतलब नहीं है स्टूडेंट्स. बट ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म. जब x इज द फंक्शन ऑफ t और y इज द फंक्शन ऑफ t हो, तो ऐसे फॉर्म को हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं. और यहां पर जो वेरिएबल होता है t, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक. ठीक है, बहुत बढ़िया. इस नोट के बारे में भी हम बात करेंगे. फिर से मैं आपको बता दूं, इस x और y को हम मेन वेरिएबल बोलते हैं, और ये जो t होता है आपका, ये पैरामीटर कहलाता है, ठीक. तो जब आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है, ठीक, तब आप dy by dx कैसे निकालोगे, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है. देखिए जरा, एग्जांपल नंबर 35 की हेल्प से ही बात करेंगे, बट उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए आपको dy by dx कैसे निकालना है. कब? जब x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t, y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t, ठीक है. जहाँ पर t क्या है? पैरामीटर है, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, ठीक है. या इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है, x और y की पैरामेट्रिक इक्वेशन. तो dy by dx ऐसे निकालते हैं स्टूडेंट, सुनिए. देखो, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि dy by dt निकालना है, और फिर डिवाइड लगाना है. dy by dt निकाल के उसको डिवाइड लगाना है किससे? dx by dt, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो dx by dt आपने निकाला है, dx by dt should not be equal to 0. क्योंकि अगर dx by dt 0 हो जाएगा, आप खुद सोचो, something upon 0 क्या हो जाएगा? Not defined हो जाएगा. तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए. इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आपने y को फंक्शन ऑफ t बोला है, g ऑफ t, तो dy by dt क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, y इज इक्वल्स टू g ऑफ t है अगर, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा? dy by dt इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ g ऑफ t, ठीक है. और g ऑफ t के डेरिवेटिव को g डैश ऑफ t से हम डिनोट कर सकते हैं, यानी कि dy by dt की वैल्यू कितनी आई? g डैश ऑफ t, ठीक. तो g डैश ऑफ t, ठीक. इसी तरीके से dx by dt को हम क्या लिख सकते होंगे? f डैश ऑफ t. ये बात समझ में, ठीक है. एंड प्रोवाइडेड दैट कि f डैश ऑफ t मीन्स dx by dt शुड नॉट बी इक्वल टू
जीरो, तो ये बात होती है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, समझिए जरा। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई ये dt से dt कट गया तो dy by dx आ गया, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। dy by dt का मतलब है कि y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकाला गया, dx by dt का मतलब है x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकाला गया। मतलब ये अपने आप में एक क्वांटिटी है, dy by dt आप निकाल लीजिए और dx by dt आप निकाल लीजिए, और dy by dt की वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, dx by dt से, तो आपको dy by dx मिलेगा। अगर आप एग्जाम में भूल जाएंगे तो याद करना ये बहुत आसान है। कैसे याद करना, ये वाला आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, हाँ भाई ये कट जाता होगा, कटता नहीं है, मन में सोचो ना ये इससे कटेगा तभी तो dy by dx आएगा, तो बस ये याद करने का तरीका है, ठीक है। तो सिंपली dy by dx निकालने के लिए dy by dt upon dx by dt आपको कर देना है, बस सिंपल सा इतना सा फंडा था। आइए आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 35 है आपकी एनसीईआरटी में, एग्जांपल है dy by dx निकालना है, x is equals to 80 square है और y is equals to 280 है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर y is equals to 280 है, ठीक है, 2 into a into t, ओके, और x is equals to 80 square है, where t is a parameter और a क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देखो एक ही पैरामीटर होता है और वो क्या है यहाँ पर, t है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, और a यहाँ पर कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है, dy by dx निकालना है। तो भाई dy by dx निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, मैंने भी बताया था आपको dy by dt निकालना होगा और फिर dx by dt निकालना होगा, ठीक। तो सपोज इसको इक्वेशन नंबर वन में मान लेते हैं, dy by dt आइए निकालते हैं, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो हमारे पास है y is equals to 280, इसमें हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करोगे तो ऑपरेटर क्या लगेगा, d by dt, यानी कि d by dt ऑफ y, यानी कि d by dt is equals to d by dt ऑफ 280। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 2a तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो 2a बाहर आ जाएगा d by dt ऑफ t, और आपको पता है d by dt ऑफ t मतलब dt by dt कितना होगा, 1 ही तो होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a into 1, यानी कि आंसर कितना आ गया, 2a आ गया। इसी तरीके से x is equals to क्या लिखा हुआ है आपके पास, 80 स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, यानी कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 80 स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दें ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t, तो a इंटू 2t, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2at लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास क्या, dx by dt। अब इक्वेशन नंबर वन में वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, dy by dt की जगह आप क्या रखोगे, dy by dt की जगह आप 2a रखोगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय dx by dt की जगह आप क्या रखोगे, 2at रखोगे, 2at रखोगे, 2a से 2a कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा, तो 1 अपॉन t आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए आपका dy by dx जो है वो कितना आ गया, 1 अपॉन t आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 1 अपॉन टी आ गया। अब यहाँ पर हमने एक नोट लगाया हुआ है, एनसीईआरटी में भी नोट दिया हुआ है, कह रहा है कि नोट दैट डी वाई बाई डी एक्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर ओनली, ठीक। मतलब जो आपका आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स वो ओरिजिनल वेरिएबल, असली में जो आपके पास मेन वेरिएबल थे एक्स और वाई के टर्म में नहीं आएगा, किसके टर्म्स में आएगा, पैरामीटर के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पर पैरामीटर कौन था, टी, इसलिए आंसर भी किस फॉर्म में आए, टी के टर्म्स में, टी के टर्म्स में। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या जरूरी है कि हमेशा आंसर हमारा पैरामीटर के फॉर्म में आए, नहीं नहीं, कभी कभी एक्स और वाई के फॉर्म में भी आ जाता है, और हम चाहें तो उसको t के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और t के फॉर्म में आता है तो हम उसको चाहें मेन वेरिएबल x और y के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कोशिश रखिएगा कि dy by dx हमेशा किस फॉर्म में आए, आपका पैरामीटर फॉर्म में आए। तो सुनिए, x x की पैरामीटर की इक्वेशन ये थी, y की पैरामीटर की इक्वेशन ये थी, ठीक। मतलब x t पे डिपेंड कर रहा था, y t पे डिपेंड कर रहा था, तो जो dy by dx आएगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, t पे। तो जो dy by dx आएगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, t पे, यानी कि जो dy by dx आएगा वो जो आंसर आएगा हमारा वो मेन वेरिएबल्स के फॉर्म में ना होके पैरामेट्रिक वेरिएबल t के फॉर्म में होगा, ओके। तो इसको कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल में 34 लेते हैं, इसको जानबूझ के हमने पहले नहीं लिया हुआ था, अब हम इसको ले रहे हैं, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा, ठीक। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि s x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, a यहाँ पर कांस्टेंट है और थीटा क्या है, पैरामीटर है। इसी तरीके से y इज द फंक्शन ऑफ, y इज द फंक्शन ऑफ, फंक्शन को इस बार हम g से दिखा रहे हैं, y इज द फंक्शन ऑफ मतलब g ऑफ थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा। तो x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ पैरामीटर कौन है, थीटा है। इसका मतलब अगर आपको dy by dx निकालना है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या निकालना होगा, dy by d थीटा, t की जगह यहाँ थीटा है, पैरामीटर यहाँ थीटा है, अपॉन dx by d थीटा, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो बहुत ईजी,
एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ये लेते हैं क्या, इसको इक्वेशन नंबर वन बना लीजिए ठीक। तो वाई इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ए साइन थीटा, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा। तो क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, यानी कि डी बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए इंटू साइन थीटा, ठीक है। ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटू साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, और थीटा का करोगे तो वन आएगा ठीक। तो ए कॉस थीटा आ गई किसकी वैल्यू, डी बाई डी थीटा की। इसी तरीके से एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, ए कॉस थीटा था, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, यानी कि डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, यानी कि डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ए बाहर आ गया और माइनस साइन थीटा, थीटा का करोगे वन आएगा बस। अब इक्वेशन नंबर वन में ले जाके अगर हम वैल्यू रख दें तो डी वाई बाई डी थीटा की जगह क्या रखोगे, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा की जगह क्या रखोगे माइनस ए साइन थीटा ठीक। तो ए से ए कटा, और ध्यान दें नीचे वाला माइनस हम ऊपर भी लगा सकते हैं, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो आपने फिर से देखा कि जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया वो किसके फॉर्म में आया, पैरामीटर थीटा के फॉर्म में आया। कर लीजिए फ्रेंड्स, लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 37, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये 37। कह रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स की पावर 2.3 प्लस वाई की पावर 2.3 इज इक्वल्स टू ए की पावर 2.3। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है बताइए, एक्स और वाई, और ये मेन वेरिएबल है, ये मेन वेरिएबल है, और ए की पावर 2.3 ये कांस्टेंट है बच्चों, ए कांस्टेंट है तो ए भी, ए की पावर 2.3 भी एक कांस्टेंट होगा, तो ये तो एक नंबर है इसको छोड़ दो ठीक। अब सुनो मेरी बात, अगर आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन के लास्ट में एक नोट लगा हुआ है, हैड वी प्रोसीडेड इन इम्प्लिसिट वे इट वुड हैव बीन क्वाइट टीडियस। इसका मतलब ये है कि अगर कह रहा है, क्या हम बच्चों इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बताओ इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें, या हम वाई की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल लें, एक्स के टर्म्स में, एक्स को इधर भेज दो ठीक है, और इसको हम इम्प्लिसिट वे में कर दें, मतलब वाई को एक्स के फॉर्म में हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बट वो ना थोड़ा सा कठिन काम होगा, आप करके भी देख लीजिएगा भाई। आप ऐसे करो ना, वाई की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए की पावर 2/3 और माइनस एक्स की पावर 2/3 ठीक है। इससे हम आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, हम मना नहीं कर रहे हैं, इसका आंसर देखिए, अगर हम यहाँ लेट कर लें कि x इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा ठीक, एंड y इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा। अब बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों मान लिया, सुनो ऐसा इसलिए मान लिया क्योंकि इतना तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग ने क्लास टेंथ में पढ़ी है। सुनो, अगर हम x की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में डालें, इसको इक्वेशन नंबर वन बना दूँ, इस इक्वेशन के LHS में अगर हम x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा डालें और y की वैल्यू a sin क्यूब थीटा डालें, तो क्या RHS आ रहा है? अगर आ रहा है तो x और y की ये वैल्यू वैलिड मानी जाएंगी। आइए चेक करते हैं, तो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ऐसा हम कर भी सकते हैं कि नहीं। तो LHS अगर हम लेके चलें तो LHS क्या है स्टूडेंट्स, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू, हाँ x की पावर, देखो x की होल पावर और y की होल पावर है, तो x की वैल्यू रखो, x क्या है a इंटू कॉस क्यूब थीटा की होल पावर 2/3 प्लस y की वैल्यू रखो, y क्या है a साइन क्यूब थीटा की होल पावर 2/3। अब ध्यान दें, ये जो पावर है ये a को भी मिलेगी और cos क्यूब को भी मिलेगी, तो ये a को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 इंटू कॉस क्यूब थीटा की होल पावर 2/3 प्लस ए को मिलेगा तो ए की पावर 2/3 इंटू साइन की क्यूब, साइन क्यूब थीटा की होल पावर 2/3। अब इतना तो पता होगा कॉस क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का होल क्यूब, यानी कि ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा ठीक। तो आपके पास क्या आएगा, ए की पावर 2/3 इंटू, अब क्या बचा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बस यहाँ पावर 2 बची, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए की पावर 2/3 इंटू साइन का स्क्वायर ठीक। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दें, तो अगर आप यहां से a की पावर 2/3 कॉमन ले लें, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से अगर हम a की पावर 2/3 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, a की पावर 2/3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, a की पावर 2/3 लेके क्या चले थे, LHS आके आ गया RHS। इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू हम और y की ऐसी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, तो ये तो हमने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया, तो ये दोनों वैल्यूज़ ली जा सकती हैं, और ये दोनों वैल्यूज़ लेके फ़ायदा क्या है, तो ध्यान से चेक करिए, ये दोनों वैल्यूज़ लेके स्टूडेंट्स फ़ायदा ये है कि हम इस क्वेश्चन को कौन से फॉर्म में ले आए, पैरामेट्रिक फॉर्म में ठीक। तो x इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा आर आर
पैरामेट्रिक फॉर्म आर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ व्हाट ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ इक्वेशन वन। ठीक, अब आपको क्या निकालना था, dy by dx, फिर से वही सारी पुरानी कहानी कि dy by dx निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा dy by d थीटा और डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। ठीक, तो सबसे पहले dy by d थीटा निकालते हैं इसको। अब इक्वेशन नंबर कुछ बना लो, लेट अस से 2, तो y is equals to क्या है, a sin cube थीटा, sin cube थीटा का मतलब sin थीटा का होल क्यूब। ठीक, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy by d थीटा इज इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट है, इस पूरे का पहले करोगे तो 3 आगे आ जाएगा और इसकी पावर में एक माइनस कर देंगे, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा का करोगे तो साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा का, मतलब समझते हो, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। अब आपके पास x इज इक्वल्स टू क्या था, a cos क्यूब थीटा, यानी a cos थीटा का होल क्यूब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय d थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू, इस पूरे का डेरिवेटिव करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3a और cos थीटा की पावर एक कम हो जाएगी। ठीक, इंटू cos का करोगे तो माइनस साइन, माइनस आगे आ जाएगा और साइन थीटा को हम पीछे लिख देते हैं। ठीक है, नाउ अब आ जाइए dy by dx निकालने में, तो dy by d थीटा को ऊपर रखेंगे, कितना आया है, यह आया हमारे पास 3a इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा आया माइनस 3a इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आया हमारे पास, चलो बिल्कुल सही है। अब 3a से 3a गया, ठीक है, और ध्यान दें, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटेगा, एक cos थीटा से एक cos थीटा कटेगा, माइनस का साइन बचा हुआ है, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा होता है। अब सुनो मेरी बात, तो ये जो आंसर आया है dy by dx is equals to माइनस tan थीटा, तो क्या ये आंसर इस टाइम वैलिड है, जवाब है नहीं। क्वेश्चन सुनो क्यों, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन दिया था वो मेन वेरिएबल के फॉर्म में दिया था, तो आपको आंसर भी मेन वेरिएबल के फॉर्म में देना होगा, यानी कि आपको इस बार आंसर ऐसा लाना पड़ेगा, उन्होंने क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म में थोड़ी ना दिया था, आपने बनाया है यार अपना काम इजी करने के लिए, कि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, कुछ बच्चे बोलेंगे इजी तो नहीं, कठिन हो गई, तुमको जैसे करना है वैसे कर लो, लेकिन इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे ना, हायर क्लासेस में जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो तुम्हें फिजिक्स अगर तुम लोगे, ठीक है, या केमिस्ट्री भी तुम लोगे, तो लैब में ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होंगी जिसको तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म में ला के उसका डेरिवेटिव निकालना होगा, इसलिए वो यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस करा रहे हैं, और कोई बात नहीं है, वहाँ तुम देखोगे कि तुम्हें आसानी पड़ेगी पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, चलो बहरहाल, तो ऐसे आंसर नहीं देना है, एक्स और वाई के फॉर्म में ही आंसर देना है, तो कैसे दोगे, बहुत सिंपल है, इस टेन थीटा को हम एक्स और वाई के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, अगर हम क्या निकाल लें, वाई अपॉन एक्स निकाल लें, तो देखो वाई की वैल्यू कितनी है, ए साइन क्यूब थीटा, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है ए कॉस क्यूब थीटा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब क्या हो जाएगा आपका, टेन क्यूब हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा का मतलब टेन का होल क्यूब, और यहाँ से क्यूब हटाओगे तो यहाँ क्यूब रूट लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये लग गया आपका क्यूब रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो इज इक्वल्स टू, माइनस ऐसे ही लगाए देंगे, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट करते, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसे करके इसको सॉल्व करते, या वाई को एक्स का फंक्शन बनाते, मतलब हम इसको ऐसे करके करते, वाई इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू ए की पावर 3, ए की पावर 2.3 माइनस एक्स की पावर 2.3, अगर अब हम इसको डिफरेंशिएट करते बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा सा टीडियस वर्क होता, कठिन वर्क होता, इसलिए हमने इसको पैरामीटर फॉर्म में लाके कर लिया। अगर आप चाहें तो इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं वाई का किसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, बट वो कठिन काम होगा, तो इसको हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करके कर लिया, कर लीजिए।